बात है, असल में ना ये देखो बड़ा पेचीदा है। अभी तक टोटल जो किताबें हैं ना मसला जबरो कदर पे, अरबी और उर्दू में टोटल है जी 176 बुक्स, 21 को तो मैंने उर्दू वाली पढ़ी होंगी। अब बात ये सर, इसमें कोई भी चीज डिफाइंड नहीं है। मसलन कैसे, एक बात याद रखिएगा, तकदीर का एक हिस्सा वो है जो जामिद है, उलमा इकराम कहते हैं जामिद हिस्सा है, स्टैटिक, चेंज नहीं हो सकता। मेरा वालिद कौन है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ डेथ क्या है, क्या मिलना है, क्या किस तरह क्या है, ये तकदीर है। एक आज रात का जो दाना पानी रिस्क का मेरा लिखा, मेरी तकदीर है, मैंने वो खाना ही खाना। तकदीर का एक हिस्सा वो है जो मौलिक है, जो बदलता रहता है। अच्छा, अब देखा गया बदलता कैसे है, आप बदलते हैं तो वो बदलता है। अच्छा, दूसरी बात, आपकी जिंदगी में आने वाले लोग जो उनसे हैं इंसान, उनकी वजह से उस तकदीर पे असर पड़ता है। मैंने कई ऐसे घर देखे जहां पर बेटी पैदा हुई, उस घर में गुर्बत एकदम से खत्म हुई और सारा घर अमीर हो गया। बेटी वही जवान होके ब्याई, वो घर दोबारा गरीब हो गया। मैं हैरान हुआ कि कुछ लोग, उनके साथ भी कुछ लोगों का नसीब जुड़ जाता है। अच्छा, एक सवाल बहुत बड़ा है कि अगर मेरा इख्तियार नहीं है तो मेरा हिसाब फिर नहीं होना चाहिए। अगर मेरा योम हिसाब पे यकीन है, और यकीन है, तो फिर मुझे याद रखना चाहिए इख्तियार दिए बगैर हिसाब मालिक नहीं करता। अगर इख्तियार दिए बगैर हिसाब हो तो ये जुल्म है, और मेरा अल्लाह जुल्म नहीं करता। इख्तियार देता है और फिर आपसे काम लेता है।